जब ऐसे मुकाबले होते हैं तो जीत रॉयल्स की होती है। अरे भाई क्यों ना हो, जब टक्कर हो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स की, दूसरी बार मिल रहे इस टूर्नामेंट में। पिछली बार जब टक्कर हुई थी तो बैंगलोर ने मात दी थी राजस्थान को 8 विकेटों से, लेकिन अगर मौजूदा हालात देखें, आरसीबी 5 जीते 3 हारे और रॉयल्स के लिए मुकाबला बिल्कुल उल्टा है, मामला बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि वो 5 हारे और 3 जीते, नाजुक मोड़ है उनके लिए टूर्नामेंट का। लेकिन आपके लिए ESPN क्रिकेट इन्फो पर ये मोड़ लेकर आया है 5 पॉइंट का प्रीव्यू इस मैच के लिए आकाश चोपड़ा के साथ। आकाश, पिछले 5 में से 4 मैच हार चुके रॉयल्स के लिए, राजस्थान रॉयल्स के लिए कुछ बदलाव की अपेक्षा की जा रही है, एक्सपेक्टेशंस है फैंस की। और हमारा पहला पॉइंट है, स्टीव स्मिथ को ब्रेक ले लेना चाहिए। ये शायद आंकड़े इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप पिछले 6 मैचों के स्कोर को देखें, 1-5-24, 6-5-3, और पहले 2 मुकाबलों में 119 रन, पिछले 6 मुकाबले में मामला थोड़ा सा ठीका है। क्या समय आ चुका है कि टफ कॉल ले? स्टीव स्मिथ बड़ा नाम है, आइकॉन प्लेयर है, लेकिन क्या उनके बदले टॉम करन को लाया जा सकता है लाइनअप में? देखिए, एक सोच है जो एंटरटेन आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एक तो ऐसा होने वाला है, दूसरा क्या ऐसा होना चाहिए, दोनों में एक्चुअली मैं आपको ना ही बोलने वाला हूँ। कारण ये कि स्टीव स्मिथ, हम ऑब्वियसली 6 पारियां अगर लगातार कोई खिलाड़ी आउट होता है, अगर वो भारतीय खिलाड़ी होता, मान लीजिए अनकैप्ड इंडियन होता, तो 6 पारियां उसको फेल ही नहीं होने दिया जाता, उसको चौथी पारी के बाहर कहते चलिए आप बाहर चलिए, हम दूसरे को लेकर आ रहे हैं। अगर कोई एस्टैब्लिश इंडियन प्लेयर होता तो शायद हम उसके साथ जुड़े रहते कि इवेंचुअली ही विल फायर, जैसा हम संजू सैमसन के साथ भी कर रहे हैं, सेम टीम के अंदर कर रहे हैं। तो अगर आप पेडिग्री की बात करते हैं तो स्टीव स्मिथ के पास पेडिग्री है, उनके पास वो क्लास है, उनसे आप उम्मीद करते हैं कि दैट ही विल टर्न इट अराउंड, बात एक। दूसरी बात, वो टीम के कप्तान है मनीष, और कप्तान अगर ड्रॉप हो जाता है ना, तो फिर समझ लीजिए थोड़ी सी रडरलेस शिप हो जाती है कि अब किस तरफ जाएगी वो पता नहीं है। तो ये दूसरी बात हुई, आप कप्तान को ड्रॉप नहीं करना चाहते मिड सीजन में। और थर्ड बात ये है कि विकल्प क्या है आपके पास, अगर आप टॉम करन के रूप में खिलाड़ी को अंदर लाना चाहते हैं या फिर डेविड मिलर के रूप में खिलाड़ी को अंदर लाना चाहते हैं। देखिए, मिलर का भी प्रदर्शन अगर पिछले 2 साल देखे IPL में तो ऑल राइट ही रहा है, कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। आई वुड स्टिल स्टिक विद स्टीव स्मिथ, मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ को आप रखिए और इवेंचुअली ही विल फायर, बहुत क्लास है उस तरफ, लगातार आउट होते रहे ऐसा संभव है नहीं। जैसे कुछ घंटों पहले उनके सोशल मीडिया के पोस्ट में थोड़ी सी खलबली जरूर मचा दी थी, ऐसा लगा कि ओहो जॉस बटलर कप्तान बन गए, लेकिन ऐसा है नहीं, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन हमारे इस प्रीव्यू का दूसरा पॉइंट, राजस्थान के बैटिंग ऑर्डर को मरम्मत की दरकार। अब क्या हुआ है कि बेन स्टोक्स आए, उनको ऊपर खिला रहे हैं, बाकी सब थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, कैसे मरम्मत करें इस राजस्थान के बैटिंग ऑर्डर की? देखिए, मरम्मत बिना एक चीज बहुत जरूरी है मनीष, और शायद हमने इस फोरम पे पहले भी बात की थी कि जब अगर आपके पास ओवरसीज खिलाड़ी हैं, 3 बल्लेबाजों के साथ आप उतरते हैं, इट इज मैंडेटरी कि आप 1-2-3 पे 3 ओवरसीज को मत रखिए। उसके लिए सिर्फ 2 ही कैवियट हैं जब आप रख सकते हैं, वो ये कि आप 190-200 रन का पीछा कर रहे हैं तो आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा, या फिर जो ओपनर्स हैं वो इतना अच्छा खेल गए कि 14 ओवर तक बैटिंग करते जा रहे हैं तो आप चाहते हो कि अपना ओवरसीज खिलाड़ी को आप भेज दीजिए, उसके बाद लेट्स नॉट थिंक अबाउट कि बाद में क्या होगा। लेकिन ये वो काम ऐसा नहीं हो रहा, ये बाय डिजाइन आप 1-2-3 पे अपने ओवरसीज प्लेयर्स को इकट्ठा रख रहे हैं, उसके चलते क्या होता है, 4 पे आते हैं संजू, 5 पे रॉबी, उसके बाद रियान पराग, फिर राहुल तेवतिया। मेरे विचार में ये बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल गलत है। आपको एक किसी भारतीय को टॉप 3 में डालना पड़ेगा, संजू सैमसन कुड बी दैट वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग चॉइस, क्योंकि संजू सैमसन का तो एक क्रिकेट का इतिहास बताता है, IPL का इतिहास बताता है, अगर टॉप 3 में बैटिंग करते हैं तो प्रदर्शन जो है और जो उनके आंकड़े बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे आप उनको 3 नंबर से नीचे लाते हैं तो फिर वो आंकड़े उनके आधे हो जाते हैं, स्ट्राइक रेट एवरेज सब में उनका कद छोटा हो जाता है। तो जरा बॉटम वो जो कह रहे हैं बैटिंग ऑर्डर को, उसको ऑर्डर में लाना जरूरी है। कुछ ऐसा ही हो रहा है रॉबिन उत्तपा के साथ, क्योंकि 6 मैच 83 रन ओपनिंग तो करने मिल नहीं रही है, शायद बस आउट ऑफ पोजीशन है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक कैमियो जरूर खेला था, लेकिन क्या आउट ऑफ पोजीशन है? और अगर हाँ, फॉर्म को देखते हुए, टीम की हालत को देखते हुए 5 मैच हारे हैं, क्या अब उत्तपा को कहे कि सर आप थोड़ा सा डगआउट पर आराम करें, हम जायसवाल को प्ले करेंगे, क्या संभव है? देखिए, कहानी फिर वही की वही है। अब इन्होंने ऐसा मतलब बाहर से देखें, थोड़ी देर बाद देखें तो ये हाइंडसाइट परफेक्ट विजन और आप डिटैच होके देख सकते हैं, तो कहानियों में तो आप कहेंगे यार ये अपनी पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इन्होंने शुरू उल्टा किया था।
कि आपने यशस्वी को ओपन कराई, एक मैच में कराई, अगले मैच में ड्रॉप कर दिया। आप फिर रॉबी को खिलाते हैं, आपने रॉबी को भी ड्रॉप कर दिया। फिर आप महिपाल लोमरो को खिलाते हैं, फिर आपने उनको भी ड्रॉप कर दिया। अब आप रियान पराग को भी खिला, उनको भी ड्रॉप कर दिया। आई मीन सबको आपने इनसेक्योर करके रखा है। ये बाकी आपके सिर्फ एक संजू सैमसन इंडियन बैट्समैन है जो लगातार सब मैचों में खेले, और दूसरे राहुल तेवतिया, वो भी इसलिए खेले क्योंकि वो बॉलिंग अच्छी साथ में करके आपको वो दो डायमेंशन देते हैं। तो अगर आपने किसी को उतना कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं है तो इस बात का सही जवाब आपको मिलने वाला ही नहीं है। आप चाहे रॉबी को ड्रॉप करेंगे तो किसको लाएंगे? यशस्वी को? अरे उसने दो मैच पहले 30 बॉलों पे 30-32 रन बनाए थे, तो तब खिलाए रखते ना। अब तो कॉन्फिडेंस है नहीं उनके पास भी, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात का कोई सही जवाब है। अब अगर आपने रॉबी को खिला लिया है, टू रॉन्ग्स विल नेवर मेक अ राइट। यहाँ तो हम कई सारे रॉन्ग्स की बात कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा खिलाने दीजिए, अभी खेलने दीजिए उनको। देर इज अ स्लाइट अपॉर्चुनिटी या कहूंगा पॉसिबिलिटी कि वो इस फॉर्म को जो पिछले मैच में मिली थी उसको थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करें और थोड़ा और अच्छा खेले। अगर नहीं होता तो देन सी कि आपने एक और गलती कर दी, अब उसको सुधारने के लिए 2-3 गलतियां आपको और करनी पड़ेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आकाश, मैं हर सवाल की पहले थोड़ी सी भूमिका बांध देता हूँ ताकि पब्लिक को थोड़ा सा बेहतर सवाल समझ में आए, लेकिन इस बार कोई भूमिका नहीं बांध। सीधा हमारा चौथा पॉइंट, जो लफ्ज मैंने लिखे हैं वही आपके सामने बोल दूंगा। डिविलियर्स की बैटिंग पोजीशन से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपको तो विस्तार से करना पड़ेगा। नहीं मतलब इसका एक्चुअली ना, जैसे आपने को भूमिका बांधने की जरूरत नहीं थी, सिमिलरली मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप एक अद्भुत खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, आप एबी डिविलियर्स की बात कर रहे हैं, वंस इन अ जनरेशन लाइफ टाइम प्लेयर की बात कर रहे हैं। मतलब मिस्टर 360 डिग्री, और 360 डिग्री नहीं है ये, 24/7 365 डेज अ ईयर वाला प्लेयर है। तो अगर ऐसा कोई खिलाड़ी हो तो उसके लिए तो मतलब इट इज नॉट अ क्वेश्चन कि उनको बैटिंग कहाँ करनी चाहिए। मैं तो वैसे भी बहुत इस बात का वो वकालत करता हूँ कि इनको ज्यादा से ज्यादा आप ओवर दीजिए, ओपन मत कराइए। मैं नहीं कह रहा हूँ 20 ओवर दीजिए, लेकिन 8-10 ओवर का खेल हो गया तो फिर वो एबी डिविलियर्स की जोन में है। आप चाहे एक विकेट गिरे, दो गिरे, मन करे तो आप इनको विराट कोहली से ऊपर प्रमोट कर दो, उसमें भी कहीं कोई मतलब आप उसको आप रिग्रेट नहीं करेंगे डिसीजन को। लेकिन अगर आपने उनको नहीं भेजा और 6 नंबर पे डिमोट कर दिया, नहीं। देखिए ये तो वैसे भी दुनिया का असूल है कि अगर आपका प्रदर्शन अच्छा हो तो आपको प्रमोशन मिलना चाहिए। उनका तो पिछले मैच में मैच विनिंग, वो मैन ऑफ द मैच प्रमोशन था, आपने उनका वो मतलब प्रदर्शन था, प्रमोशन की जगह आपने उनको डिमोशन दे दिया, तो मुझे लगता है कि वो केस फाइल करेंगे। बिल्कुल, हमारे इस प्रीव्यू का आखिरी पॉइंट, चहल का पावप्ले में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अच्छा रिकॉर्ड इनका पावप्ले में, और आरआर के टॉप ऑर्डर के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप होगा। क्या आपको लगता है थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज्ड है और उनकी सही जगह पावप्ले में है चहल? नॉट नेसेसरली, और ये वो वाला डिसीजन है जिसको मैं कहूंगा कि जब मैदान पे मैच शुरू हो तो उसके अनुसार आप उस डिसीजन को लें। ये पहले जब हम प्रीव्यू करें तो ये कहना गलत है कि इसको यहाँ खेल गेंदबाजी करवाओ। ये एबी डिविलियर्स जैसा सीधा सरल सवाल नहीं है, उसका कोई सरल जवाब नहीं है। पर चहल का अभी तक तो वैसे खराब इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेट्स बी ऑनेस्ट। बड़े क्रिटिकल इंपॉर्टेंट ओवर्स उनसे कराए गए हैं, ओवर नंबर 16-17 तक करवाया गया है, कल तो ओवर नंबर 20वां भी करवा दिया था। तो मेरे विचार में चहल भी नाराज नहीं होंगे किसी तरीके से कि मेरा अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मुझे लगता है यूजी के साथ सही हो रहा है। वैसे सवारी बड़ी रॉयल होने वाली है भाई, दुनिया के दो आइकॉनिक प्लेयर्स आमने सामने होंगे, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ, कुछ और युवा सितारे भी उभर कर आएंगे, राहुल तेवतिया होंगे, मजा तो आने वाला है। लेकिन हमारी इस रॉयल तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक सवारी पर हमें थोड़ा सा पॉज लगाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आकाश चोपड़ा फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस 5-point प्रीव्यू। मिलते रहेंगे आपके साथ रिव्यूज में। ये स्पिन क्रिकेट।